लिखना स्टार्ट करिए, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। अब जैसा कि आपने सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के बारे में पहले भी पढ़ा हुआ है, तो आपको थोड़ा बहुत अगर इलेक्ट्रिसिटी वाले में याद हो, इस प्रकार से आपने करंट कैरिंग लूप बनाया था और उस करंट कैरिंग लूप की वजह से उसके जो सेंट्रल पॉइंट था उससे कुछ दूरी पर, जो भी दूरी थी उसके ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट यहां से हमने लिया था, उस छोटे से एलिमेंट की वजह से हमने उसके ऊपर एक डीबी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेक किया था, फिर एक ऐसा एलिमेंट नीचे भी लिया था और उसकी वजह से भी जो मैग्नेटिक फील्ड था उसे डीबी लिया था, और फिर वहां पे हम लोगों ने याद है इसे थीटा माना था, फिर इसे भी थीटा माना था, ये थीटा तो यहां 90 माइनस थीटा, अगेन दिस इज थीटा एंड दिस इज 90 माइनस थीटा, तो इधर कॉस कंपोनेंट इधर साइन कंपोनेंट, कुछ कुछ ऐसा थोड़ा थोड़ा आपको क्या हो रहा होगा, ध्यान आ रहा होगा जो मैंने ऑलरेडी पहले लिखाया था। तो इसको आप अपनी कॉपी में बनाए कि दिस इज अ लेट अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, लिखना स्टार्ट करिए, लेट अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप ऑफ रेडियस आर, ऑफ रेडियस आर, ऑफ रेडियस आर विथ सेंटर एज सी, रेडियस आर या कई बार रेडियस ए भी ले लेते हैं, इसको ए ले लीजिए, रेडियस ए विथ सेंटर सी, विथ सेंटर सी, विथ सेंटर सी एंड अ पॉइंट ए विच इज आर डिस्टेंस अपार्ट, अ पॉइंट ए आर डिस्टेंस अपार्ट, आर डिस्टेंस अपार्ट इज द पॉइंट ऑन विच मैग्नेटिक फील्ड is to be calculated, magnetic field is to be calculated, let current I be flowing in the direction as so, let current I is flowing in the direction as so I करंट उस पर्टिकुलर वायर में फ्लो कर रहा है, डन। ये सर्कुलर लूप है और ये सर्कुलर लूप अगर इसे देखा जाए तो ये वो सर्कुलर लूप है, और ये सर्कुलर लूप कैसे रखा गया है, इस प्रकार से सर्कुलर लूप रखा गया है और इसके सेंटर से एक पॉइंट दूरी r दूरी पर, इसका रेडियस कितना है, द रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज a, ए रेडियस है और इसके ठीक सेंटर से आर दूरी पर, यहां पर आप क्या निकाल रहे हैं, आप इस पर्टिकुलर करंट कैरिंग वायर की वजह से इस पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वही आप बता कर रहे हैं। तो उसको निकालने के लिए आपने ऊपर पे एक डीएल एलिमेंट लिया, क्योंकि आपने एक्सप्रेशन ऑफ डीबी क्या जानते हैं, व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ डीबी विच यू नो, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल sin theta by r square, तो यहाँ पे आपको dl element लेंगे तब ना आप उस side integrate करेंगे, तो यहाँ पे जो हमने छोटा-छोटा element लिया था, this element ये dl length का, है ना? और यही dl length को जब आप integrate करेंगे तो वो 2 pi r में convert होगा, या मैं बोलूँ 2 pi a में convert होगा, because वो dl का integration क्या होगा, 2 pi a, because that is the circumference of the circle, वो circumference है। तो ये आपको लॉजिक समझ में आया ना, किस प्रकार से ये जो मैंने यहाँ सर्कल बनाया है वो कैसा बनाया हुआ है। चलिए लिखना स्टार्ट करिए आगे, ये डायग्राम बना लिए सब लोग, ये डायग्राम उसके नीचे बनाइए और फिर इसका डेरिवेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये डेरिवेशन हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर कुछ कुछ चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको मैं इसी डायग्राम में दिखा देता हूँ। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इस एलिमेंट से जो पॉइंट ए है उसकी जो दूरी होगी वो होगी a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, क्यों, यहां पर ये 90 डिग्री बन रहा है, दिस इज डिस्टेंस a एंड दिस इज डिस्टेंस r, और ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो ये a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर,
सिमिलरली नीचे भी उसी प्रकार से ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ रहा है। सेकेंड चीज जो आपको समझ में आनी चाहिए वो ये है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। अगर ये थीटा है तो क्या मैं इससे 90 माइनस थीटा बोलूंगा? अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये अगेन क्या होगा? थीटा होगा। और ये अगर थीटा है तो इसका कॉस कंपोनेंट किधर आएगा? ऊपर आएगा। और इसका भी कॉस कंपोनेंट किधर आएगा? इधर आएगा, यानी डीबी कॉस थीटा। ये डीबी कॉस थीटा इधर भी है और डीबी कॉस थीटा इधर भी है, ये दोनों डीबी कॉस थीटा है। तो डीबी कॉस थीटा ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। और सारे के सारे जो डीबी साइन थीटा है, डीबी साइन थीटा है, वो सब किधर आ रहे हैं? इस तरफ आ रहे हैं। ये तो सिर्फ मैंने दो जो एलिमेंट लिया है उसके लिए, अगर सारे को जोड़ दिया जाए तो इसका मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे तो सिर्फ हमने दो कंपोनेंट को चेक किया ना, एक ये ऊपर वाला कंपोनेंट और एक नीचे वाला कंपोनेंट। ऊपर वाले कंपोनेंट की वजह से इस तरफ डीबी आ रहा था, इस डीबी के दो कंपोनेंट कॉस थीटा एंड साइन थीटा, कॉस थीटा इधर आया। सिमिलरली नीचे वाले के लिए जो डीबी आया वो इधर है, इसका भी दो कंपोनेंट कॉस थीटा एंड साइन थीटा। ऊपर कॉस थीटा नीचे कॉस थीटा आपस में एक दूसरे को क्या कर दिया? कैंसल आउट हो गया। और उस तरफ सिर्फ क्या मिल रहा है मुझे? डीबी साइन थीटा मिल रहा है। ठीक ऐसा ही हमने वहां इलेक्ट्रिसिटी में भी किया था। अगर थोड़ा बहुत भी आपको ध्यान हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में भी हमने ठीक इसी प्रकार से किया था। और उसके बाद मैंने आपको बताया होगा कि सारे डीबी, ये जो डीबी आ रहे हैं ये कौन बनाएंगे, ये जो सीधा डीबी है ये सब कौन बनाएगा? इस कौन का कॉस कॉम्पोनेंट और इसका साइन कॉम्पोनेंट। कॉस कॉम्पोनेंट सारा एक दूसरे को क्या कर देगा? कैंसल आउट कर देगा। और जो साइन कॉम्पोनेंट होगा वो इंटीग्रेट करके एक दिशा में बन जाएगा। इस प्रकार से आप इसको लिख लें पहले, राइट? इसको आप लिख लें, ये डायग्राम बना लीजिएगा सारा, ये पूरा डायग्राम बना लिया सबने, ये डिस्टेंस जरूर दिखा लीजिएगा। और जो डीबी साइन थीटा और डीबी कॉस थीटा की मैंने बात कही है वो जरूर से लिख लीजिएगा। साइन थीटा और कॉस थीटा जो मैंने बताया था वो जरूर से लिख लीजिएगा। अच्छा, मैं इसे थीटा मानू फाई मानू या थीटा फाई एक ही है? अगर मैंने थीटा मान लेते तो भी वही था, फाई मान लेते तो भी वही था। फाई मानना चाहिए। क्यों मानना चाहिए? क्योंकि साइन थीटा ऑलरेडी क्वेश्चन में एक तो पहले से है, तो इसको मेरे को कुछ दूसरे कन्वेंशन में लेना चाहिए। आप इसको ना कोशिश करिए, अगर चेंज कर सकते नहीं तो थीटा डैश, या तो थीटा डैश कर लीजिए। थीटा डैश विल बी एन इजियर टास्क टू बी डन। इसको आप थीटा डैश ले लीजिएगा। थीटा डैश लीजिएगा तो क्या होगा, ये थीटा और उसका थीटा डैश दोनों अलग अलग होने चाहिए। अब साइन थीटा क्या था? साइन थीटा क्या था? ये जो फॉर्मूले में साइन थीटा था वो क्या था? साइन थीटा वॉज द एंगल बिटवीन करंट कॉम्पोनेंट एंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट। करंट कॉम्पोनेंट और उस पॉइंट के बीच का एंगल था। करंट कॉम्पोनेंट इसमें, करंट कॉम्पोनेंट इधर है। ये कैसे है? मैंने अभी कड़ा निकाल के दिखाया था ना, ये इस तरीके से है। और ये पॉइंट, इस कड़ा का जो प्लेन है और ये पॉइंट, इनके बीच का एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो साइन थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। तो इसलिए अभी मैं डीबी को क्या लिखूंगा अगले स्टेप पे? डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन ऑफ 90 डिग्री बाई आर स्क्वायर। साइन 90 क्या होता है? 1। डीबी इज इक्वल टू, यहां पे लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए बाय यूजिंग बायो सावर्ट लॉ। ये जो एरो यहां दिखा रहा हूं मैं, यहां पे लिखिएगा मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए बाय यूजिंग बायो सावर्ट्स लॉ। उसके बाद आप ये डेरिवेशन चालू करिएगा। यहां पे थीटा इज इक्वल टू क्या डालिएगा? 90 डिग्री। क्यों थीटा 90 डिग्री होगा? ये एक्सप्लेनेशन देना होगा। थीटा क्यों 90 डिग्री होगा? बिकॉज़ द प्लेन ऑफ द सर्कुलर लूप एंड द पॉइंट, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या है? 90 डिग्री है। दिस इज द प्लेन ऑफ सर्कुलर लूप एंड दिस इज द पॉइंट। सपोज ये पॉइंट है और दिस इज द प्लेन। अभी कड़ा मैंने खोल के दिखाया था ना ये, तो उसका प्लेन ये हो गया। इस प्लेन और इस प्लेन के बीच का एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री यानी जो आपका एलिमेंट होगा उसके साथ भी क्या एंगल बनाएगा? ये भी 90 डिग्री होगा। भाई प्लेन और उसके बीच का एंगल बनना चाहिए, दैट इज 90 डिग्री। 90 डिग्री है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहां पे एक्सप्लेनेशन जरूर लिखिएगा व्हाई दिस इज 90 डिग्री, बिकॉज़ द प्लेन ऑफ द सर्कल एंड द पॉइंट एट व्हिच मैग्नेटिक फील्ड इज कैलकुलेटेड इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये 90 डिग्री का लॉजिक जरूर लिखिएगा उसके नीचे, राइट? द प्लेन ऑफ द सर्कुलर लूप, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एंड द पॉइंट एट व्हिच मैग्नेटिक फील्ड इज कैलकुलेटेड इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और परपेंडिकुलर होगा तो थीटा क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। फिर हमने ये db इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल sin 90 / r² तो आगे sin 90 अब ये सर वो मतलब
इस साइड का इधर 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 तो ले ही नहीं रहा अभी, तो ये दूसरी बात हो रही, वो तो थीटा डैश है, ये थीटा भी बात कर रहे हैं, अलग अलग है ना, इसलिए तो कहा था अलग अलग कर लीजिएगा, तो वो थीटा डैश है, अभी उसके बारे में तो बात ही नहीं कर रहे, अभी तो ये दूसरा बात चल रहा है। अब उसको फाई मान लेते तो भी हो सकता था, थीटा डैश मान लिया, मेरे को लग रहा था ये कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैंने कहा था कि उसको कुछ और नाम दे लीजिएगा, तो ये थीटा डैश कर लीजिए या फाई कर लीजिए, ठीक है। अभी यहाँ ध्यान दीजिए, ये क्या हो गया, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर बाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर, डन। अब ये जो कैपिटल बी है वो किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीबी साइन थीटा डैश के बराबर होगा क्या, ये जो कैपिटल बी है ये इंटीग्रेशन ऑफ डीबी साइन थीटा डैश के बराबर होगा क्या, बताइए, ये होगा db इज इक्वल टू साइन थीटा डैश के बराबर, वाई दिस इज थीटा डैश, ये थीटा है, थीटा डैश इस थीटा डैश, ये 90 माइनस थीटा डैश, थीटा डैश माने एक नाम दिया गया, प्रणव भी बोल सकते हैं, प्रणव 90 माइनस प्रणव फिर प्रणव, तो ये db का प्रणव एंगल, ये db का प्रणव एंगल, और उसका दूसरा वाला साइन एंगल, cos प्रणव साइन प्रणव, अब वो नाम है, आप उसको फाई बोलिए, थीटा डैश बोलिए, अंजलि बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, आर्यन भी बोल सकते हैं जो बहुत ध्यान से देख रहा है ऐसे में। तो अभी ये थीटा डैश हमने माना है, अगर कंफ्यूजन हो रहा है मेक इट फाई, कोई लफड़ा नहीं है, थीटा डैश से भी समझ में आएगा, अगर ये थीटा डैश है तो 90 माइनस थीटा डैश, और ये 90 माइनस थीटा डैश तो ये 90, माने ये थीटा, अभी ये थीटा है तो इस डीबी का दो कंपोनेंट, एक डीबी कॉस थीटा डैश और एक डीबी साइन थीटा डैश, मैंने क्या बोला कि ये सारे डीबी जितने भी डीबी हैं सब मिलके इस प्रकार से ऐसे बना रहे होंगे, उसका दो कंपोनेंट, एक कॉस कंपोनेंट एक साइन कंपोनेंट, कॉस कंपोनेंट देखिए उल्टा है ना, एक ऊपर है तो एक नीचे, तो आपस में क्या हो गया कैंसिल, ऐसे यहां वाला जो होगा वो भी कैंसिल, हर दिशा वाला आपस में ऐसे करके क्या हो गया कैंसिल हो गया, और जितने भी डीबी साइन थीटा है सब क्या हो जाएगा जुट जाएगा, तो डीबी साइन थीटा डैश जुटता जा रहा है, डीबी साइन थीटा डैश सारा का क्या हो गया जुट गया, तो अभी कैपिटल बी निकालना मतलब ऑल दोस डीबी विद साइन थीटा डैश शुड बी एडेड, इसका मतलब एडिशन है ना, इंटीग्रेशन मींस एडिशन, अब डीबी का वैल्यू निकाल चुके क्या, अच्छा यहां पे आर क्या है, व्हाट इज आर इस पर्टिकुलर केस में, आर क्या है, दिस इज नॉट द आर, ये तो आर, ये आर ये नहीं है, यहां पे जो फॉर्मूला में आर है वो ये वाला आर है क्या, नो नो दिस इज डिफरेंट, नहीं यहां पे जो आर क्या लेते हैं, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एट द करंट लूप एंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट, तो अभी वो डिस्टेंस किसके बराबर है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर, तो यहां पे अगली लाइन में db इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर। इस एक्सप्रेशन में किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, आर जो सर वो रेडियस ना सर, आप डेरिवेशन के अंदर ध्यान करिए, डेरिवेशन में क्या पढ़े थे, व्हाट वाज द डेरिवेशन, डेरिवेशन ऑफ जो आपने बाय सवर्ट लॉ पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, ये आपका करंट एलिमेंट था, यहां से उस पॉइंट के बीच की दूरी क्या ली गई थी, आर ली गई थी, यानी एलिमेंट से उस पॉइंट की दूरी आर थी, एलिमेंट से उस पॉइंट की दूरी वाज आर, इन दिस केस जो डिस्टेंस है उसको मैंने आर माना है, पर ये आर और ये आर आर नॉट सेम, अभी मैं इसको ऐसा लिख दिया तब ना आप कंफ्यूज कर रहे हैं, ऐसा लिखा होता तो आप क्या करते, अगर ऐसा लिख देता तो आप क्या करते, तब तो आप कहते ये दोनों अलग अलग है ना, आप कैपिटल आर कर लीजिए, और वो कैपिटल आर किसके बराबर, वो कैपिटल आर विल बी इक्वल टू दिस, बात समझ में आ रहा, बिकॉज डेरिवेशन में वो छोटा आर जो था वो क्या था, दैट वाज द डिस्टेंस बिटवीन द एलिमेंटल पॉइंट एंड द पॉइंट एट विच यू वांट टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके बीच का डिस्टेंस था, अभी इस कैपिटल आर स्क्वायर को आप क्या लिखोगे, इसका होल स्क्वायर लिखोगे कि नहीं लिखोगे, लिख दिया, अंडर रूट का होल स्क्वायर क्या होता है, अंडर रूट का स्क्वायर, वो एक्सप्रेशन आ जाता है, तो अभी मैं db को यहां पर एक बार और लिख देता हूं, db इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई idl बाई a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं, अब ये कैपिटल b निकालना है, दिस कैपिटल b इज इंटीग्रेशन ऑफ db sin थीटा डैश, लिखते हैं b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, db के लिए ये डाल दूं, db के जगह पे ये वाला एक्सप्रेशन डाल दूं, db इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा डैश, कोई दिक्कत तो बताइए, इस एक्सप्रेशन में कोई दिक्कत,
अब मुझे एक इशू पस रहा है कि सर ये साइन थीटा डैश क्या है। साइन थीटा डैश को क्या मैं, ध्यान से देखिए, साइन थीटा डैश को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, साइन थीटा डैश इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर, साइन थीटा डैश का परपेंडिकुलर ए बाय हाइपोटेनस कैपिटल आर और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कोई इशू? यानी साइन थीटा डैश की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अगर ये लिख सकते हैं तो इस एक्सप्रेशन के अंदर थोड़ा ध्यान से देखिए, b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इनटू ए बाय ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 1/2। कोई दिक्कत तो बताइए। अरे ये अंडर रूट की जगह पे क्या लिख दिया, 1/2 लिख दिया, यहां तक कोई दिक्कत? अगले स्टेप में जरा ध्यान देकर देखिए, b is equal to constant mu naught upon 4 pi बाहर निकाल लिया, i was constant बाहर निकाल लिया, a was constant बाहर निकाल लिया, a square plus r square के पावर 3/2 बाहर निकाल लिया। यहां तक कोई इशू है तो बताइए, इस टर्म तक कोई इशू है तो बताइए। b is equal to mu naught upon 4 pi constant बाहर आ गया, current is constant बाहर आ गया, a is constant, can you change the radius? radius cannot be changed, वो बाहर आ गया। और a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ना आप दूरी बदल रहे हैं ना ये बदल रहे हैं, तो ये दोनों को भी हमने क्या ले लिया, बाहर। और इसके पावर 1 था, इसके पावर हाफ, एंड द बेस इज सेम, पावर गेट्स एडेड, ये दोनों ऐड हो गया, 1 प्लस 1 बाय 2 इज 3/2, ये आ गया। इंटीग्रेशन के अंदर क्या बच गया, dl बच गया। dl इज व्हाट, dl इज व्हाट, dl इज द छोटा-छोटा एलिमेंट। इन सारे छोटे-छोटे एलिमेंट को जब आप जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 2 पाई a। Yes, circumference of the circle is 2 pi radius, 2 pi r। यहाँ पे radius किसके बराबर है, a के बराबर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं circumference is equal to 2 pi a के बराबर, और जो कि dl का integration होगा, नहीं होगा, तो dl का integration के जगह पे आप next step पे क्या लिखोगे, ये वाला expression मिटाओ क्या, यहाँ से ये मिटा दूँ, इधर से किसको मिटा रहा हूँ, सिर्फ ये वाला मिटा रहा, first line मिटा रहा, ये वाला first line, first दो line मिटा रहा। अभी यहां पे मैं dv की जगह पे क्या लिख सकता हूं, सॉरी, कैपिटल b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i a बाय a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर के पावर 3/2 इनटू 2 पाई a और नॉट। अब देखिए जो जो कट रहा है उसको काट दीजिए, पाई से पाई कैंसिल, ये दो बार में b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 2, ठीक है, म्यू नॉट बाय 2। और देखिए क्या लिखेंगे ऊपर, आई ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बाय 3/2। मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज गिवन बाय दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। एक बार चेक कर लीजिए ये आपका सही एक्सप्रेशन आया है कि नहीं। डन, द एक्सप्रेशन इज म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाय 2 टाइम्स आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर 3/2। Then, किसी भी सर्कुलर लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा वो इसके बराबर होगा। ये कई बार एग्जाम में आपसे इसका क्या पूछा जाता है, डेरिवेशन पूछा जाता है। तो इस टर्म में अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है फिर तो दी आर नॉट, देयर इज नो चांस कि आपसे इस तरह का कोई सवाल पूछा जाए। लेकिन अगर वो ऑब्जेक्टिव ना हो के अगर सब्जेक्टिव हुआ, या आपसे कोई कह दे कि नहीं इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन है, समटाइम दे आस्क द डायरेक्ट एक्सप्रेशन आल्सो, आपको अगर पता ही नहीं होगा डेरिवेशन तो आप उसके एक्सप्रेशन कैसे पता करेंगे। और एक्सप्रेशन में वेरिएबिलिटी ला सकते हैं, अगर आपने रेडियस माना है a, वो कहे रेडियस को x मान लो, आपने डिस्टेंस को माना है r, वो डिस्टेंस को y मान ले, और फिर आपसे एक एक्सप्रेशन लिख दे, तो आप तो कहेंगे सर ऐसा कुछ तो आपने पढ़ाया ही नहीं था, आप तो रट के गए होंगे, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2 ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पास 3/2, वो तो दिख नहीं रहा है सर, आप तो आर स्क्वायर प्लस वहां तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा है, कैसे होगा? तो वैसा कुछ अगर हो जाएगा फिर आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू। लेकिन अगर आप डेरिवेशन ठीक से ध्यान है, आप एक एक स्टेप पे जानते हैं कि ये चीज कहां से आई, ये चीज कहां से आई, अगर साइन फाई के टर्म्स में पूछ ले तो बहुत पहले ही आंसर आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं ना, या ऐसा भी आ जाता है मल्टीपल चॉइस में, चार एक्सप्रेशन दे दे बताए डीवी का चारों है, मतलब ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए कि the magnetic field at point A at a distance r apart for a circular loop is given by
विच ऑफ दी फॉलोइंग, और आपके पास चार ऐसे एक्सप्रेशन दिए गए डेरिवेशन के, कोई तीसरे स्टेप का एक स्टेप ले लिया, कोई पांचवे स्टेप का, कोई फाइनल स्टेप, और कोई एक ऐसा स्टेप जो कभी उसके डेरिवेशन में आया ही नहीं। आप बोलेंगे मेरे को फाइनल वाला तो समझ में आया पर ऊपर वाला समझ में नहीं आया, मल्टीपल चॉइस हो सकता है, मोर देन वन करेक्ट हो, या कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर डीवी। अब आपको अगर डेरिवेशन नहीं पता है तो आपको कैसे पता चलेगा इसमें से कौन सा तीन सही और एक कौन सा गलत है? तो उसके लिए भी तो आपको डेरिवेशन का पता होना जरूरी है, जो जनरली आईआईटी में जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं वहां पे थोड़ा डेरिवेशन पूछा जाता है, पर वहां पे तो ऐसे सवाल पूछ सकते हैं ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, चार एक्सप्रेशन दिया हो उसमें तीन बीच बीच के डेरिवेशन का, एक फाइनल फाइनल डेरिवेशन का जो रिजल्ट, और एक ऐसा एक्सप्रेशन जो पता ही नहीं कहां से आया। अब आपको उसमें से करेक्ट करना है कि कौन सा इसमें से रॉन्ग है, यानी कौन सा इसमें करेक्ट नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं मल्टीपल चॉइस में। तो आप डेरिवेशन से भी आप मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऐसे नहीं बने कैसे बनाएगा डेरिवेशन से कैसे पूछेगा, देयर आर वेज टू आस्क द क्वेश्चन, गॉट इट? तो इस प्रकार से सिंगल सर्कुलर लूप की वजह से ये आपका एक्सप्रेशन आ गया। अच्छा मुझे बताइए, अगर ये सिंगल लूप है, अगर n नंबर ऑफ टर्म्स यहां पर होंगे तो क्या होगा? n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसके नीचे लिखिए फॉर n नंबर ऑफ टर्म्स द नेट मैग्नेटिक फील्ड फॉर n नंबर ऑफ टर्म्स the net magnetic field is given by n number of terms की वजह से जो magnetic field B होगा वो क्या होगा? mu naught n into I a square by 2 times a square plus r square के power 3/2। कोई दिक्कत? कैपिटल एन से ही हम लोग एन नंबर ऑफ टर्न्स डिनोट करते हैं जनरली। जब कभी भी ना आप सोलोनॉइड हो कि ट्रांसफार्मर के कॉइल्स हो, जब कभी भी हम नंबर ऑफ टर्न्स डिनोट करते हैं फिजिक्स में, खास करके मैग्नेटिज्म चैप्टर में, तो दैट इज ऑलवेज डिनोटेड विद कैपिटल एन से हम उसको डिनोट करते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सा डेरिवेशन है। अब एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए क्या होगा जब ये जो r है वो इसके बराबर हो? क्या पूछ रहा हूं समझ में आ रहा है? बताइए व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड इफ दिस r इज इक्वल टू कैपिटल n। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड along the axis of coil at a point r equal to radius of the circle, at a point r equal to radius of the circle। अब radius of the circle पे आपको पूछ रहा है कि बताइए क्या होगा capital R का value, then बताइए क्या होगा? 2r square हो जाएगा। क्या 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 सॉल्व करके देखते हैं क्या करना है। ये सब तो आपने लिख लिया होगा। अब वो कह रहा है कि a is equal to क्या कर दीजिए, r कर दीजिए। स्पेशल केस क्या हो गया? a is equal to r होगा तो b is equal to mu naught n i a square by 2 into a square plus a square के बाद 3/2। सॉल्व कीजिए, b is equal to mu naught n i a square whole divided by 2 times a square plus a square 2a square into 3/2, 2 से 2 cancel। अगले स्टेप पे b is equal to mu naught n i a square by 2 जा 4 a cube। यहां से a square, यहां से ये कटा, क्या बच गया आपके पास? mu naught n i by 4 a। ये आपका क्या हो जाएगा? b का वैल्यू हो जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ b फॉर द पॉइंट जब r जो है वो किसके बराबर है? a के बराबर। सर कोई दिक्कत? हां, 2a का सर्कल एक क्यूब करके नहीं कर सकते फिर से? 2a का सर्कल, अच्छा हां यार, 2a का क्यूब होगा ना, 2a का क्यूब होगा तो 8 2 16 हो जाएगा। हां ये 16 हो जाएगा, सॉरी, थैंक यू, ये 2a का होल क्यूब होगा,
और 2a का होल क्यूब यानी 8a क्यूब, 8 2 जा 16 और यहां से कटेगा ये 16 हो जाएगा, 16 करेक्ट, थैंक यू, वो 2a का होल क्यूब होगा, यहां पे क्यूब हो जाएगा, वेरी गुड। तो इस प्रकार से ये आपका एक एक्सप्रेशन आना चाहिए, दैट इज 2 रेज टू द पावर 5, 16 इज 2 रेज टू द पावर 5 नहीं 2 रेज टू द पावर 4 2 रेज टू द पावर 4 का टर्म, खैर ये एक हो गया केस, स्पेशल केस का केस 1 था राइट, केस 2 स्पेशल केस का केस 2 लिखना है अभी आपको, ये उतार लिए सब लोग, चलिए लिखिए। तो बहुत सरल है, सिर्फ क्या करना था आपको, आपको बस ये निकालना था कि इस पॉइंट पर क्या होगा आपका डायरेक्शन लाइक मैग्नीट्यूड। अभी मेरे को कोई पूछे बताओ इस पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपने निकाला है क्या, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इफ द करंट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टुवर्ड्स टुवर्ड्स किधर है, ये डायरेक्शन किधर है, अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर, और अगर ये क्लॉकवाइज होता तो डायरेक्शन क्या होता, टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये आपको लिखना चाहिए वहां पे, खैर पहले ये एक्सप्रेशन लिख लीजिए, अभी तो सिर्फ हम लोग मैग्नीट्यूड के बारे में ही फोकस कर रहे हैं, वी आर नॉट डिसाइडिंग द क्या बोलते हैं उसको, डायरेक्शन के बारे में भी कोई बात नहीं कर रहे, पर राइट हैंड थंब रूल से हम पता कर सकते थे तो वो दो ही दिशा होगी, क्योंकि सर्कुलर ट्रैक अगर ऐसा है, ये अगर आपका सर्कुलर लूप है तो या तो इधर होगा नहीं तो इधर होगा, डायरेक्शन तो दो ही होंगे। अब चूंकि यहां पर जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज माने समथिंग लाइक दिस, तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड इधर, क्लॉकवाइज होगा तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड इधर, दोनों ही दो ही डायरेक्शन हो सकते हैं, उससे तीसरा कोई डायरेक्शन हो नहीं सकता। तो इस प्रकार से आपको डायरेक्शन निकालना होगा। इसका स्पेशल केस 2 लिखिए, स्पेशल केस 2 ये सब मिटा दो मैं, स्पेशल केस 2 लिखिए, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड बी, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड बी एट सेंटर ऑफ द सर्कल, एट सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप, सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप। अब अगर सर्कुलर लूप का सेंटर में आपको पूछे बताओ क्या होगा, तो क्या आंसर होगा, सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप, अभी आप क्या बोलोगे, R इज इक्वल टू 0, R को आप 0 कर दोगे ना, क्योंकि ये घटाते घटाते हमने कहां ले आया, हम उसी पॉइंट पर ले आए, तो ये 0 हो गया। R का एक्सप्रेशन में आप 0 डाल दीजिए, एक्सप्रेशन क्या है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बारे 3/2। अब यहां पे आपको R की जगह पर क्या पुट करना है, 0 पुट करना है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2 a square by 3/2, 2 से 2 cancel, इसको solve कीजिएगा, यह जाएगा mu naught n i a square whole divided by 2 a cube, यहां से a square और ये कट गया, b आ गया, b is equal to mu naught n i by 2 a, ये आपका expression आएगा for the point at the circular loop, the point at the circular loop, point at the circular loop where a is what, where a is what, a is the radius of the circle, ye dhyan rakhiyega, a is the radius of the circular, a is the radius of the circle, of the circle, to a jo hai wo kya hai hamara, radius of the circle hai, aur us radius of circle ke upar jo aapka formula hota hai wo hota hai mu naught n i by 2a, mu not n i by 2a। अच्छा अगर कोई बोले सिंगल लूप है तो क्या आंसर आएगा आपका, सिंगल लूप होगा तो क्या आंसर आएगा, दिस इज द आंसर फॉर n नंबर ऑफ लूप, सिंगल लूप होगा तो n की जगह क्या पुट कर देंगे, कैपिटल n की जगह 1 पुट कर देंगे, और 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, mu not i by 2a के बराबर, लिख लीजिए फॉर सिंगल लूप, क्योंकि ना सवाल में ये क्वेश्चन में जनरली जो सवाल आपसे पूछा जाता है वो सिंगल लूप के लिए पूछा जाता है, तो लिखे फॉर सिंगल लूप द करंट, सॉरी फॉर सिंगल लूप द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2 ए,
म्यू नॉट आई बाई टू ए। डन। डन। यहां तक कोई इश्यू है तो बताइए। यहां तक आपको सबको समझ में आ गया। एक क्वेश्चन लिखिए, द वायर शोन इन द फिगर। ये सब मिटा रहा हूं मैं, है ना, ये सब मिटा रहा हूं। क्वेश्चन लिखे, द वायर शोन इन द फिगर, द वायर शोन इन द फिगर कैरीज अ करंट ऑफ 10 एम्पेयर, कैरीज अ करंट ऑफ 10 एम्पेयर। जो वायर बनाया गया है वो जरा ध्यान से देखिएगा, कुछ किस प्रकार का वायर है, और आपके आईआईटी वगैरह में या नीट में कुछ इसी प्रकार का सवाल आपसे पूछा जाता है जो अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ये इस प्रकार का सवाल आपको पूछते हैं। करंट का डायरेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये याद रखिएगा, दिस इज नॉट सर्कुलर लूप। ये जो पार्ट है ना, दिस आर ऑल, यहां पे कोई वायर नहीं है, वायर ऐसे जा रहा है। दिस इज दी वायर, ए बी सी डी ई, ये आपका वायर है, ऐसे वायर है। ठीक है, सवाल को पूरा लिखिए। दी वायर शोन इन द फिगर, या जो भी मैंने लिखवाया होगा, कैरीज अ करंट ऑफ 10 एम्पेयर, कैरीज अ करंट ऑफ 10 एम्पेयर। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट ओ। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट ओ गिवन दैट द रेडियस ऑफ द कॉइल इज 3 सेंटीमीटर, गिवन दैट द रेडियस ऑफ द कॉइल इज, रेडियस ऑफ द कॉइल इज 3 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द कॉइल इज 3 सेंटीमीटर। सॉल्व कीजिए इस सवाल को। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन का इसका आंसर तब आता जब ये कैसा होता, ये पूरा ऐसे सर्कल होता, ये ऐसे सर्कल होता। अगर ये ऐसे सर्कल होता तो फिर जो अभी आप लोगों ने अपना आर्गुमेंट दिया कि सर चूंकि ये सर्कुलर ट्रैक है तो सर्कुलर ट्रैक पे बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई टू है, इस प्रकार से सॉल्व करते हैं, ये सारी वैल्यू पुट करते हैं, आंसर हो जाता, तो क्वेश्चन वैसे सीधा पूछा गया। लेकिन क्वेश्चन इतना सरल से नहीं पूछा गया, क्वेश्चन आपको क्या बोला, इस प्रकार से पूछा गया। अब आप समझिए, अब आपको ना थोड़ा सा बुद्धि लगाना होगा इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि आप कहां गड़बड़ किए, और तब आपको इंपॉर्टेंस ऑफ डेरिवेशन समझ में आएगा। डेरिवेशन में आपने इंटीग्रेट किया था क्या, डीएल, क्या यहां पे डीएल पूरा हुआ है, यहां तो डीएल पूरा नहीं हुआ ना, यहां तो 3/4 ऑफ डीएल ही लिए। यहां पे अगर ये 90 डिग्री है तो चार भाग में होता 360, तो क्या आपने पूरा सर्कल बनाया, आपने तो पूरा सर्कल नहीं बनाया, पूरा सर्कल नहीं बनाया तो आप 2π ही नहीं लिख सकते, तो इंटीग्रेशन जो करते हैं वहां पे 3/4 ऑफ 2π ही लिखना था, 3/4 ऑफ 2π लिखेंगे तो 3/2 हो जाएगा, 3/2 का फैक्टर आएगा ना, कि आपने यानी आपने जो टोटल एंगल लिया वो 270 डिग्री लिया, 270 डिग्री को जब आप रेडियन में बदलेंगे तो कैसे लिखेंगे, 3π/2। 270 को जब आप रेडियन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 3π/2, 3 × π/2 इज 270। तो अभी यहां पे आपको क्या लिखना चाहिए, दिस इनटू 3π/2। ये तो तभी चमकेगा जब आप उसको डेरिवेशन किए होंगे, पहली बात। दूसरी बात, ये जो ए से बी है ये भी तो एक वायर है, इसके वजह से पॉइंट पर क्या होगा, इसका भी आपने कैलकुलेट नहीं किया, ये तो स्ट्रेट वायर था, स्ट्रेट वायर का निकलवाने का फॉर्मूला दिए थे ना मैंने, स्ट्रेट वायर है तो आपने लिखा था बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई आई बाई समथिंग साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा, फॉर्मूला लिखवाए थे, वो स्ट्रेट लाइन का क्यों नहीं कंसीडर किए, सिर्फ सर्कुलर ट्रैक पढ़ा, सर्कुलर ट्रैक का सवाल देखा, सर्कुलर ट्रैक का फॉर्मूला लगाने लग गए, स्ट्रेट लाइन का क्या। तो स्ट्रेट लाइन में भी मैंने एक केस लिखवाया था कि इफ दी स्ट्रेट लाइन इज पासिंग थ्रू दैट सेम पॉइंट दी बी विल बी इक्वल टू जीरो। आपको ये सब थोड़ा बहुत ध्यान होना चाहिए, आपने इस तरह का एक स्ट्रेट वायर बनाया था और इस पॉइंट पर चेक कर रहे थे तो इसकी वैल्यू कुछ आई थी, पर उसने कहा था कि अगर इसको घटाते घटाते हम इसी के ऊपर रख लें तो उसका वैल्यू क्या था, जीरो था। मैंने आपको ये डिस्कशन भी किया था, दिया ने सवाल पूछा था कि सर जो मैग्नेटिक ये जो वायरिंग होती है उसमें क्यों नहीं करंट होता, मैंने बताया कि करंट के अंदर ही अगर वो पॉइंट रख दिया जाए
तो उसके वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है, बस आते अगर वो बहुत मोटा वायर हो, वो भी एक एग्जांपल दिया हुआ कि अगर ट्रांसमिशन वायर है तब फिर वहां झमेला फंस सकता है, बट इफ इट इज अ थिन वायर, कॉन्सेप्ट ऑफ थिन वायर बताया था, व्हाट इज अ थिन वायर, रेडियस इज नेग्लेक्टेड विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस, उस केस में उस वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो, यानी मैग्नेटिक फील्ड जिस लाइन पर है अगर उसी लाइन में वायर जा रहा है तो उसकी वजह से उसका कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है। इस वजह से आपको यहां पे पहले P1 निकालना चाहिए था, इस सर्कुलर की वजह से B2 निकालना चाहिए था, इसकी वजह से B3 निकालना चाहिए था, और तब आप लिखते B total is equal to B1 plus B2 plus B3, वो बात और है कि ये भी जीरो होगा और ये भी जीरो होगा क्योंकि ये उसी लाइन ऑफ एक्सिस में पड़ रहा है, पर जरूरी तो नहीं है ना कि कभी कल को कोई सवाल पूछे तो वो उसी लाइन ऑफ एक्सिस में पड़े, कुछ दूर भी पड़ सकता है, तो उसका भी आपको क्या रखना होगा, ख्याल रखना होगा। उस प्रकार से ये वाला जो कंपोनेंट था ये भी जीरो और ये वाला कंपोनेंट भी जीरो, तो बी टोटल आपका सिर्फ किसके बराबर हो गया, B2 के बराबर, और B2 क्या होगा, B2 विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इनटू 10 बाय 2 इनटू 3 इनटू 10 रे पावर माइनस 2 इनटू 3 पाई बाय 2 के बराबर। म्यू नॉट की वैल्यू आप क्या लिखेंगे, म्यू नॉट विल बी रिटन एज 4 पाई इनटू 10 रे पावर माइनस 7 इनटू 10 इनटू 3 पाई बाय 4 इनटू 3 इनटू 10 रे पावर माइनस 2। इसको सॉल्व करने के बाद जो टेस्ला लिखेंगे वो आपका क्या होगा, आंसर होगा, दिस विल बी योर फाइनल आंसर, जो कि मैं बुक में देख के आपको बता सकता हूं कितना है, द आंसर इज 1.57 इनटू 10 रे पावर माइनस 4 टेस्ला, 1.57 इनटू 10 रे पावर माइनस 4 टेस्ला, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, और इस सवाल के लिए स्पेशल एक मैं फॉर्मूला आपको लिखवा देता हूं, ताकि अब के बाद जब आप इस तरीके का सवाल देखें, यहां पे सर्कुलर लूप में पूरा लूप नहीं है, कुछ पार्ट वहां से क्या किया गया है, एलिमिनेट किया गया है, उसके लिए जो फॉर्मूला है वो है b is equal to mu not i by 2a into theta, और theta आप किस में पुट करेंगे, theta will be in radian, theta will be in radian, ये इंपॉर्टेंट, इसी फॉर्मूले से ये सवाल मैंने बनाया है, डन, लॉजिक समझ में आया, जो मैंने ये सवाल दिया है वो इसलिए दिया ताकि आपको इसका आइडिया लग पाए कि इससे न्यूमेरिकल कैसे बनेंगे, डेरिवेशन अलग चीज है पर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल ऑन दैट पर्टिकुलर डेरिवेशन इज टू डिफरेंट थिंग, तो दोनों अलग अलग चीज है, उसको भी आपको समझना चाहिए। उसके नीचे नोट डालकर कुछ लिखना स्टार्ट करिए, ये वैल्यू लिख लीजिएगा, द वैल्यू इज 1.57 इंटू 10 रे पावर माइनस 4 टेस्ला, 1.57 इंटू 10 रे पावर माइनस 4 टेस्ला के बराबर है। उसके नीचे नोट डाल के एक बात लिखिए, राइट दी नोट डालिए, लिखिए द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप इज गिवेन बाय राइट हैंड थंब रूल, इज गिवेन बाय राइट हैंड थंब रूल। जो रूल क्या कहता है, नीचे लिखिएगा राइट हैंड थंब रूल, नीचे लिखिएगा राइट हैंड थंब रूल। एक राइट हैंड थंब रूल आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, वहां पे क्या था, करंट के डायरेक्शन में अगर आप थंब रखते हैं वो किसके लिए वैलिड था, दैट वाज फॉर स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। वहां पे क्या पढ़ाए थे कि जब आप करंट कैरिंग वायर के अलोंग अपना थंब रखते हैं तो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स विल बी गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये भी राइट हैंड थंब रूल है। अभी जो लिखवा रहा हूं वो भी राइट हैंड थंब रूल है, पर इस केस में ये जो राइट हैंड मतलब ये जो आपका थंब है ये इस बार क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और कर्लिंग ऑफ फिंगर आपको क्या देगा, सर्कुलर लूप, यानी सर, तो जब कभी भी सर्कुलर लूप में देखना है तो कर्लिंग ऑफ फिंगर विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब विल गिव यू द मैग्नेटिक फील्ड, वेयरएज जब आप स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर में निकालते हैं तो थंब इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्लिंग ऑफ फिंगर इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या बोला डिफरेंस समझ में आया, ये क्या बोला डिफरेंस समझ में आया, हाँ, तो वो डिफरेंस जो मैंने बताया ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पहला डिफरेंस क्या बोल रहा हूं, मैंने पहला वाला कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा हूं, बोथ आर राइट हैंड थंब रूल ओनली, बट पहले वाले में क्या बोल रहा हूं कि जब आप स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर में निकाल रहे हैं तो आप राइट हैंड थंब रूल कैसे लगाते हैं,
the direction of thumb is the direction of current and curling of finger is the direction of magnetic field. पर यही राइट हैंड थंब रूल, जब आप सर्कुलर करंट कैरिंग वायर में लगा रहे हैं तो डायरेक्शन ऑफ जो कर्लिंग ऑफ फिंगर इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. दोनों का डिफरेंस क्लियर हुआ? अभी ये जो दूसरी बार राइट हैंड थंब रूल लिख रहे हैं इसमें आप क्या लिखेंगे, कर्लिंग ऑफ फिंगर्स इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब विल गिव यू द मैग्नेटिक फील्ड. लिखिए, पर ये कब लगाएंगे वो कब लगाएंगे ये क्लियर हुआ? अब जो वायर थंब, जो थंब कब करंट फॉलो कराएगा, जब आप स्ट्रेट वायर में होंगे, और कर्लिंग ऑफ फिंगर्स कब करंट कराएगा, जब आप सर्कुलर लूप में होंगे. चलिए इस बात को लिखिए, अकॉर्डिंग टू दिस रूल इफ वी होल्ड द थंब ऑफ राइट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर, अकॉर्डिंग टू दिस रूल इफ वी होल्ड द थंब ऑफ राइट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू The grip of the finger, thumb को कैसे रखना है mutually perpendicular. ये देखिए, दिखाई दे रहा है, ये mutually perpendicular है. The curling of fingers and this is perpendicular. ये और ये perpendicular है. इस प्रकार से आपको रखना है. Grip of the fingers such that the curvature of the fingers depicts the direction of current. ये जो curvature है, ये जो curling of fingers है, ये क्या depict कर रहा है? ये direction of current depict कर रहा है. Depicts the direction of current. In a circular wire loop. तो circular depicts the direction of current in a circular wire loop. Then the thumb will point in the direction of magnetic field near the center. तो जो डायरेक्शन होगा सेंटर पे वो थंब डिपिक्ट करेगा. अब दो एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा. ये कैसा वायर है जिसमें करंट कहां जा रहा है, क्लॉकवाइज, और ये कैसा वायर है जिसमें करंट कहां जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज. अब मुझे अगर इन दोनों पर करंट कैरिंग लूप का वो बताना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसमें इस प्रकार से करंट आएगा. सब लोग अपना राइट हैंड निकालिए, राइट हैंड निकाल के ये जो डायरेक्शन ऑफ लूप है उसके अक्रॉस आप इसको कर्ल करिए. तो डायरेक्शन कहां जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है. तो इसकी वजह से जो सेंटर पे फील्ड होगा वो क्या होगा, इनसाइड द बोर्ड. और इस केस में इट इज समथिंग लाइक दिस, मतलब एंटी क्लॉकवाइज जब आप कर रहे हैं तो इट इज कमिंग आउट ऑफ द बोर्ड. इस केस में इट इज आउट ऑफ द बोर्ड यानी इस तरह से. बताया था ना इसका लॉजिक क्या है, तीर इस प्रकार से आगे से देख रहे हो, यहां पे तीर आप ऐसे देख रहे हैं, तो ये है आउटसाइड द बोर्ड. बोर्ड मेरे लिए, आपके लिए पेपर, और दिस इज इनसाइड द बोर्ड, आपके लिए पेपर. मेरे लिए बोर्ड होगा, आपके लिए पेपर, क्योंकि मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, आप पेपर पे लिख रहे हैं. तो इस हिसाब से अपना वहां पे कन्वेंशन डाल लीजिएगा, डन. उसके नीचे अब एक नोट का दूसरा पॉइंट, ये वो राइट हैंड थंब रूल लिखा आपने, वहां पे उसका दूसरा पॉइंट लिखा. अब एक चीज बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं ये बोल रहा हूं कि ये एक सर्कुलर लूप है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है. इफ करंट इज फ्लोइंग इन अ पर्टिकुलर सर्कुलर लूप, उसी को जब नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देते तो वो सोलेनोइड बन जाता है. ये आप पढ़े में, क्लास 10th में आपने पढ़ा है कि भाई जब सर्कुलर लूप्स की संख्या बढ़ जाती है तो ही ना वो सोलेनोइड की तरह बिहेव करने लगता है. सोलेनोइड का फोटो तो आपको ध्यान हो गई, सोलेनोइड का कॉन्सेप्ट तो पता है ना, एटलीस्ट बाकी चीजें नहीं पता होगी पर ये तो पता होगा कि दिस इज अ सोलेनोइड. इसी प्रकार से जो सर्कुलर लूप्स होते हैं, जो करंट कैरिंग वायर्स होते हैं, उसको हम लोग सोलेनोइड बोलते हैं. अब इफ दिस इज द सोलेनोइड, तो इस सोलेनोइड में आपने देखा होगा कि जब हम लोग बैटरी लगाते हैं तो ये बैटरी लगाने पर ये किस तरह बिहेव करता है. यहां पे मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिला था, यहां पे सिमिलर मैग्नेटिक फील्ड, जैसा मैग्नेटिक फील्ड कहां देखने को मिलता है, बार मैग्नेट में जैसा मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलता है, ठीक उसी प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड हमें यहां पर भी देखने को मिला. अब अगर ये मैग्नेटिक फील्ड यहां पर है तो उसका कुछ पोलैरिटी होगा, आइदर इट इज अ नॉर्थ पोल और इट इज अ साउथ पोल. हाउ टू नो, बाय लुकिंग एट द डायरेक्शन ऑफ करंट विच विल एक्ट एज अ नॉर्थ पोल और विच विल एक्ट एज अ साउथ पोल, डन. ये अभी सीखेंगे. अब ये आपका क्या है, सोर्स है, तो करंट का डायरेक्शन यू,
करंट का डायरेक्शन यू, यानी इसमें करंट कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जा रहा है। अगर करंट क्लॉकवाइज है, अगर करंट क्लॉकवाइज है तो जो डायरेक्शन ऑफ फील्ड होता है वो डायरेक्शन ऑफ फील्ड होगा वो साउथ पोल की नॉर्थ पोल। देखिए ध्यान से, डायरेक्शन और इसका ये दोनों एरो देखिए, ये क्या लिखा, एस, एस माने साउथ। अभी देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, सो द पोलैरिटी इज नॉर्थ पोल। कैसे दिखा, समझ में आ रहा है? तो नॉर्थ लिख के ऐसे घुमा दीजिएगा और साउथ लिख के ऐसे, तो आपको याद भी रह जाएगा। साउथ ऐसे होता है, इसको ऐसे ऐसे कर दीजिएगा तो क्लॉकवाइज हो रहा है, और ऐसे नॉर्थ लिखा इसको ऊपर और इसको ऐसे कर दीजिएगा तो एंटी क्लॉकवाइज। यानी जहां कहीं भी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा किसी सर्कुलर लूप में, वो कौन सा पोलैरिटी लेगा, साउथ पोल। जहां कहीं भी एंटी क्लॉकवाइज पोलैरिटी होगा किसी भी सर्कुलर लूप में, वो कौन सा पोलैरिटी लेगा, नॉर्थ पोल लेगा। धीरे धीरे हम लोग मैग्नेटिज्म के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की ओर बढ़ रहे हैं, ईएमआई की तरफ। एक और बीच में चैप्टर है जहां पे आप मैग्नेटिज्म एंड मैटर, उसके बाद जो अगला चैप्टर है वो ईएमआई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि आपका सिक्स्थ चैप्टर है। सिक्स्थ चैप्टर में हम इन्हीं सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे, तो अभी समझिए उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ रहा है, अल्टीमेटली टू रीड नेक्स्ट चैप्टर, जो भी हम पढ़ रहे हैं वो अगले अगले चैप्टर को पढ़ने के लिए इस चैप्टर में पढ़ते हैं। तो अभी धीरे धीरे हम बेस तैयार कर रहे हैं, है ना, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। क्या लिखिए इस बात को, एज द करंट, ये नोट का सेकंड पॉइंट लिखेगा, एज करंट कैरिंग लूप हैज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड इट, एज द करंट कैरिंग लूप हैज द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट व्हिच एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, as current carrying loop has a magnetic field around it which exerts a force on a moving charge, thus it behaves as a magnet, with two mutually opposite poles. As current carrying loop has the magnetic field lines around it which exerts a force on a moving charge, full stop, thus it behaves as a magnet with two mutually opposite poles. What are the poles? Either it will be a north pole or it will be a south pole. If the current in the loop is clockwise, the polarity developed is south pole. If the current in the loop is anti-clockwise, the polarity developed is North pole. ये दो बातें उसके नीचे लिखिए। The current in the circular loop, इसमें ना सब पॉइंट डाल दीजिएगा A और B. The current in the circular loop is clockwise. The current in the circular loop is clockwise. The direction of current is, the direction of the polarity developed is south pole. देखिए, if it is clockwise, the direction is, the polarity developed is साउथ पोल। लिख दीजिएगा दी पोलैरिटी डेवलप्ड इज साउथ पोल। ये फोटो बना लीजिए, ड्रॉ दिस, करंट इन दी लूप इज क्लॉकवाइज, दी पोलैरिटी डेवलप्ड इज साउथ पोल, ये वाला डायग्राम, ठीक है। और उसके नीचे सेकंड पॉइंट लिखिए, जहां पर आप लिखेंगे करंट इन दी करंट इन दी लूप इज एंटी क्लॉकवाइज, दी करंट इन दी लूप इज एंटी क्लॉकवाइज, दी पोलैरिटी सो डेवलप्ड इज नॉर्थ पोल, the polarity so developed is north pole, current in the circular loop is anti clockwise, the polarity so developed is north pole। और उसके नीचे आप ये वाला डायग्राम बना लीजिए, जो कि क्लियरली दिख रहा है, मैंने लॉजिक भी बताया किस प्रकार से आप देखेंगे साउथ, जब साउथ कब होगा, जब क्लॉकवाइज, दिखाई दे रहा है ना। आप लिखने के तरीके को ध्यान दीजिए, आप एस लिख रहे हैं तो यहां पे ऐसे एरो बनाइए, यहां पे एरो, ये क्या डायरेक्शन दिखा रहा है, साउथ पोल। आप नॉर्थ लिख रहे हैं, इस पर ऐसे कर दीजिए, इस पर ऐसे कर दीजिए, क्या डायरेक्शन दिखा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का लॉजिक भी आपको समझ में आ गया। बाद में चल के लेंज लॉ इसी के ऊपर आधारित है, पूरा का पूरा जो लेंज लॉ पढ़ते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, एक लेंज लॉ आता है वो फिर इसके ऊपर ही पूरा आधारित है। तो अगर आप डायरेक्शन निकालना नहीं सीखेंगे तो फिर लेंज लॉ आपका क्लियर नहीं होगा, तो डायरेक्शन फिर वहां दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा आपको,
यही डायरेक्शन आज ही क्लियर कर दीजिए आपने। अच्छा एक चीज और मैं बोलना भूल गया, आर्गुमेंट देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, ये मेरा करंट कैरिंग लूप है, ध्यान से देखिएगा। अच्छा आप ही की तरफ दिखा, कोई भी सर्कुलर है एक, ये मेरा करंट कैरिंग लूप है, अभी इसमें ऐसे करंट घूम रहा है, करंट का डायरेक्शन इज ऐसे 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 इधर जा रहा है, आपके लिए क्या है, आपके लिए क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है। अच्छा मेरे लिए, मेरे लिए एग्जैक्टली अपोजिट हो जाएगा, बिकॉज़ आई एम लुकिंग एट दिस फ्रॉम द अदर एंड, तो अगर इस एंड से मेरे लिए क्या पोलैरिटी देगा, एग्जैक्टली उल्टा जो आपको मिल रहा है। अगर ये वाला साइड आपको क्या दिख रहा है साउथ, तो ये वाला साइड से क्या होगा, होना भी चाहिए, होना भी चाहिए, क्योंकि आपने पढ़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट बी सेपरेटेड, अगर एक साउथ है तो दूसरा नॉर्थ होगा, तो उस एंड पे अगर आपको साउथ दिख रहा है तो इस एंड पे मेरे को नॉर्थ दिखना ही चाहिए, बिकॉज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट बी सेपरेटेड, तो एक साइड पे अगर वो साउथ दिख रहा है तो दूसरी साइड पे नॉर्थ। तो याद रखिएगा किस तरफ से देख रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है, सर्कुलर लूप में ऐसे देख रहे हैं तो अलग आएगा, इस तरफ से देखिएगा तो अलग आएगा, तो आप किस तरफ से देख रहे हैं वो भी स्पेसिफाई करना जरूरी है। डन, गॉट इट, समझ में? पर जब कॉपी पर देखेंगे तो एक ही साइड से दिख रहा है, पर आप कोई ट्रांसपेरेंट चीज पर देखेंगे तो दो साइड से दिख सकता है, तो फिर इधर से देख रहे हैं कि उधर से देख रहे हैं, वहां पे एक आर्ग्यूमेंट आता है, पर कॉपी में तो हमेशा एक ही साइड है, आप ऊपर से ही देखेंगे, आप कभी कॉपी के पीछे से जाके नहीं चेक करते। डन, तो यहां तक रखते हैं, हेडिंग डाल लीजिए एम्पियर सर्किटल लॉ, जो कि अगली क्लास में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने।